हेलो फ्रेंड, दिस इज़ ज्ञान सिंह। वेलकम टू द लेट्स सपोर्ट। तो आज हमारा लेक्चर नंबर 7वां है। ये क्या है, हमारा बैच जो है क्लास कक्षा 10 के लिए और बोर्ड के लिए स्पेशली है। तो ये स्पेशली CBSE बोर्ड के लिए है। तो हम आज मिरर फार्मूला के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके पहले हमने रे डायग्राम के बारे में सारे कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर के सब कुछ देख चुका है हमने। अगर नहीं देखा है तो आप प्रीवियस वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। और अगर आप PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो सकते हैं, या आप हमको इंस्टाग्राम पे मैसेज भी कर सकते हैं। वहाँ से आपको PDF प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक, तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग मिरर फार्मूला को देखते हैं और मिरर फार्मूला क्या होता है उसकी पूरी जानकारी लेंगे। हम अगले वीडियो में क्या देखेंगे, हम अगले वीडियो में देखेंगे कि हम इस पे ऊपर सवाल करेंगे। ठीक, तो चलिए हम पहले क्या करते हैं, मिरर फार्मूला लिखते हैं। हमारा मिरर फार्मूला क्या है, 1/F = 1/V + 1/U। ठीक, तो हमारा क्या है, यफ है हमारा डिस्टेंस बिटवीन द फोकस एंड पोल। तो हमारा फोकस और पोल कहाँ होता है, तो जैसे कि ये हमारा क्या है, कॉनकेव मिरर है। ठीक, इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये हो गया। तो हमने क्या किया, एक ड्रा कर लिया, क्या है ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है। प्रिंसिपल एक्सिस है तो कहीं हमारा, मान लीजिए हमारा यहाँ हमारा क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, यहाँ हमारा क्या है, फोकस हो गया। ठीक, ये हमारा क्या हो गया, पोल हो गया। तो मान लीजिए हमने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट है उसको क्या रख दिया, फोकस सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रख दिया। तो ये हमें ये पता है कि जब हम कोई भी लाइन पैरेलली पास करते हैं प्रिंसिपल एक्सिस से, वो कहाँ से होकर जाता है, फोकस से होकर जाता है। ठीक, तो ये जो डिस्टेंस हुआ फोकस से और पोल के बीच, यही हमारा क्या है, स्मॉल एफ हो गया। यही हमारा क्या है, स्मॉल एफ है। ठीक, फिर हम जान लेते हैं, फिर हमारा वी क्या है, वी क्या है, हमारा वी हमारा है इमेज डिस्टेंस। ठीक, इमेज डिस्टेंस है। ठीक, मान लीजिए हमने क्या है, हमारा इमेज है CA, तो इससे हमने एक बार लाइन पास कराया, फिर हमने क्या किया, एक यहाँ से सीधा पोल पे पास करा दिया, ये स्ट्राइक पोल पे किया, फिर ये जितने एंगल से पड़ रहा है उतने एंगल से ये रिफ्लेक्ट होगा। तो ये कहीं इमेज कहाँ जाके बन रही, कहीं यहाँ मिलेगी। ठीक, तो यह मान लीजिए हमारा इमेज यहाँ मिल रहा है, तो क्या की होगा, तो ये जो डिस्टेंस होगा यहाँ से यहाँ तक पोल के बीच, यही हमारा क्या है, इमेज डिस्टेंस है। इमेज डिस्टेंस हमारा यही होगा। ठीक, और जो हमारा ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है जहाँ पे, ये हमारा क्या है, ये हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, यानी यू है। ठीक, यू हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया, यू हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया। ठीक, आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा है। अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फिर हमारा आर क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल, यानी कि जो हमारा आर होता है यहाँ से, ये हमारा क्या है, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेके पोल तक के बीच में जो दूरी होती है वो क्या होता है, हमारा क्या होता है, आर होता है। ठीक, तो लेकिन ये भी जान लीजिए, वेयर F = R/2, यानी जो हमारा फोकस होता है वो R/2 होता है, यानी रेडियस कर्वेचर के आधा होता है। ठीक, तो आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा है, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। ठीक, तो अब आ जाते हैं हम मैग्नीफिकेशन पे, यानी कि हम मैग्नीफिकेशन के बारे में जानकारी ले लेंगे। कैसे मैग्नीफिकेशन में, सीधा सीधा मतलब जितना जूम करना है, यानी कि हम अपने क्या करते हैं, कितना क्लियरली हमको शो हो रहा है, वही हम उसको क्या करेंगे, मैग्नीफिकेशन। द इट इज एक्सपीरियंस एट द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है और उस इमेज आ रहा है, फॉर्म हो रहा है, उसका कितना हाइट है, यही हमारा क्या है, हमारा क्या है, मैग्नीफिकेशन। ठीक, देखते हैं, आप जाते हैं कभी कैमरा वैमरा खरीदने, उसको पूछते हैं मैग्नीफिकेशन कितना है, यानी कितना हम इसको, कितना लंबा चौड़ा हम ले सकते हैं फोटो। ठीक, तो चलिए हम जान लेते हैं मैग्नीफिकेशन क्या है। मैग्नीफिकेशन को हम m से डिनोट करते हैं, यानी स्मॉल m से डिनोट करेंगे। तो हाइट ऑफ इमेज अपान हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक, ये हमारा फॉर्मूला होता है, यानी कि हमारा हो गया h - h, ये हमारी पहली इक्वेशन बन गई मान लीजिए। फिर क्या है, फिर हमारा ये -u/v, माइनस वी बट बाई यू, हमारा ये दूसरा इक्वेशन बन गया।
तो हमारा दोनों इक्वेशन को मिला के क्या बन रहा है हमारा, फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू। तो अगले चैप्टर देखते हैं। तो यहाँ दोनों इक्वेशन हम मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, एम बराबर एच डैश अपान एच इक्वल्स टू माइनस वी बाई यू, ये हमारा एच है ना कि एन है, ठीक। तो फिर इसके बाद क्या है, वेयर जान लेते हैं, वेयर एच डैश इक्वल्स टू इमेज हाइट, ठीक। इमेज हाइट कहाँ से है, प्रिंसिपल एक्सिस से, प्रिंसिपल एक्सिस एक्सिस से हमारे है ये हाइट, ठीक। फिर उसके बाद और यच क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। तो ये हमारा क्या है, फाइनल फार्मूला है। आप इससे इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, सारा न्यूमेरिकल सॉल्व कर देंगे और ये हमारा न्यूमेरिकल में यूज आएगा। तो अभी हम अगले वीडियो में न्यूमेरिकल ही पढ़ेंगे, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। तो आशा करते हैं आपको वीडियो समझ में आ रहा होगा, समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, थैंक यू। आगे देखते हैं हम, फिर इमेज मैग्नीफिकेशन, अगर मान लीजिए हमारा जो है यम क्या है, बड़ा है, यम ग्रेटर देन वन है, यानी हमारा जो मैग्नीफिकेशन है वो एक से बड़ा है, तो क्या हो रहा है, इमेज इज मैग्नीफाइड, यानी इमेज हमारा क्या होगा, मैग्नीफाइड होगा। अगर यम हमारा क्या है, बराबर है, इमेज इज सेम एज साइज, सेम इमेज इज सेम एज साइज, यानी कि हमारा जो इमेज आएगा वो ऑब्जेक्ट के सेम आएगा, ठीक। अगर यम हमारा छोटा है एक से, तो इमेज इज डिमिनिश्ड, यानी हमारा इमेज क्या होगा, बहुत छोटा आएगा, ठीक। तो जैसा कुछ है, हम ये हमारा चार्ट बना है वहाँ से देख सकते हैं, जो हमारा कॉन्केव मिरर होता है वो, उसमें क्या होता है, ऑलवेज रियल जब हमारा इमेज आता है तो उसमें निगेटिव होता है फोकस, और हमारा यू क्या होता है, निगेटिव होता है, ये हमको पता है कि ऑलवेज निगेटिव, ऑलवेज निगेटिव, ठीक, रियल जब इमेज होगा। फिर ये भी वी भी हमारा रियल में निगेटिव होता है, वर्चुअल में पॉजिटिव होता है। फिर कॉन्वेक्स मिरर में फोकस हमारा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, यू भी हमारा पॉजिटिव, यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी पॉजिटिव रहता है, और हमारा क्या है, इमेज डिस्टेंस भी पॉजिटिव होता है। तो ये हमारा कुछ टर्म्स है जो हमको ज़रूरी है याद करने के लिए, यानी कि हम लोग जब न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं ये हमको बहुत सहायक करेंगे, ठीक। यह चीज़ ऑलवेज पॉजिटिव, यानी हमारा जो हाइट होता है, हाइट क्या होता है, हर समय क्या होता है, पॉजिटिव में होता है। ये ऐसा तो हो नहीं सकता कि आप आपकी हाइट क्या है, निगेटिव चलती होगी, ऐसा तो हो नहीं सकता। इसीलिए हमारा क्या है, हम कोई भी लंबाई लेते हैं या ऊँचाई लेंगे वो हर समय पॉजिटिव में ही लेंगे। फिर यस डैश इज द पॉजिटिव फॉर द वर्चुअल एंड निगेटिव फॉर द रियल, यानी कि हमारा जो पॉजिटिव यच डैश होगा, यानी कि इमेज डिस्टेंस होता है वो पॉजिटिव होगा, और इन रियल के लिए निगेटिव होगा, ठीक। तो आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, आप टेलीग्राम चैनल से या इंस्टाग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद, अगले वीडियो का वेट करिए। ये वीडियो हम लोग 7 बजे रोज़ मिलते हैं, तो 7 बजे हम लोग ज़रूर मिलेंगे, थैंक यू।